तो जय सियाराम दोस्तों, अगर आपने इसके लास्ट पार्ट्स को नहीं देखा है, इसका ऑलरेडी मैंने 3 पार्ट बना दिया है। पहले पार्ट में कैसे आउटलाइन ड्रॉ करना चाहिए परफेक्टली, उसके बाद जो रेफरेंस फ़ोटो का पहला रेफरेंस फ़ोटो है उसका आउटलाइन, उसके बाद ये दोनों रेफरेंस फ़ोटो का आउटलाइन जो अलग अलग से मैंने बनाया है, क्योंकि एक ही वीडियो में बनाऊँ तो जो वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, इसलिए। तो इसमें मैं जो है बैकग्राउंड को ड्रॉ करके कंप्लीट करूँगा। आप बैकग्राउंड को स्किप मत करना, क्योंकि बैकग्राउंड से ही जो है ड्राइंग के रेफरेंस फ़ोटो का जो इफेक्ट आता है वो एक नेक्स्ट लेवल का होता है। तो इसलिए आपको बैकग्राउंड को नहीं छोड़ना है, बैकग्राउंड को भी जिस तरह से दिया गया है उसी तरह से ड्रॉ करना है। तो मैं पहले क्या करना हो, लाइट ब्राउन बेबी ऑयल अप्लाई करके उसके बाद उसके ऊपर जो है लाइट ब्राउन ऑयल पेस्टल कलर अप्लाई करके उसे फिंगर से मैंने ब्लेंड कर दिया। और स्क्रीन रेफरेंस फ़ोटो में आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो हल्का हल्का से यहाँ पे ग्रीन कलर भी दिखेगा। तो यहाँ पर मैं इसलिए जो लाइट ग्रीन कलर है उसे मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ कुछ कुछ जगह पर, जहाँ पर हर जगह पर नहीं, हल्के हल्के से। उसके बाद और डार्क करने के लिए और डार्क पेंसिल और डार्क ग्रीन कलर उससे भी अब अप्लाई कर देना है। तो पहले हम इसे ही अप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे तो मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, और ऑब्जर्व कर पाओ तो पहले स्टार्टिंग में तो इतना ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता क्योंकि बिगिनर्स के लिए ये प्रॉब्लम तो होता ही है। तो मैं क्या करना हूँ, जहाँ पर डार्क है उन जगह पर ही मैं जो है डार्क ब्राउन डार्क ग्रीन कलर जो है अप्लाई कर दे रहा हूँ। आपको भी हल्के हल्के से एक ही डायरेक्शन पे अप्लाई कर देना है, और बेबी ऑयल अप्लाई करने से जो है ड्राइंग इतना मेहनत नहीं लगता है, हल्के प्रेशर से ही ज़्यादा कलर जो है ऐड हो जाता है। और बिना बेबी ऑयल अप्लाई करे आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने के बाद ही जो है कलर जो है पेपर में जो है ऐड होता है, तो यही प्रॉब्लम है। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, लाइट ब्लू कलर जो है अप्लाई कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं पहले भी गया हूँ, ऑब्जर्व अच्छे से जितना अच्छे से कर पाएंगे उतने अच्छे से आप जो है ड्रॉ कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं जो है जहाँ पर ब्लैक कलर है बैकग्राउंड में, जहाँ बैकग्राउंड में जहाँ पर ब्लैक कलर है, ब्लैक डार्क जैसे दिख रहा है, वहाँ पर मैं जो है डार्क 6B या फिर 8B पेंसिल से मैं यहाँ शेडिंग कर दे रहा हूँ हल्के हल्के से एक ही डायरेक्शन पर। यहाँ पर आप बेबी ऑयल अप्लाई करके ब्लेंड करेंगे तो बहुत अच्छे से एकदम कलर की तरह, मक्खन की तरह जो है ये अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, ये भी अच्छा है। और बाकी ऑयल पेस्टल कमेंट में बताना, मैं ऑयल पेस्टल का भी ट्यूटोरियल लाऊं या नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सियाराम।